योग दर्शन का सातवां सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। योग दर्शन की सबसे विशेष बात यह कि जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ते हैं, योग की समझ में स्पष्टता आती है। व्यक्तिगत रूप से आप योग को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। योग के प्रति बेहतर समझ आपके अभ्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसनों को करने में एकाग्रता आती है और आसनों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर भी आप विचलित नहीं होते और इससे आपका योग अभ्यास दिनों दिन बेहतर होता जाता है। अभ्यास में आप आनंद का अनुभव करते हैं। हम लोग जिस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं उसमें योग का अभ्यास बहुत ही अहम है, क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखता है और योग दर्शन से जुड़ने के बाद योग के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। योग करने और देखने का आपका नजरिया एकदम से अलग होता है। धीरे धीरे ही आप योग के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। एक प्रकार से योग दर्शन हमें योग के रास्ते पर चलने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है। यही योग दर्शन का सबसे बड़ा लाभ है। बाकी सब आपके वास्तविक अनुभव से आता है। सभी का योग के प्रति अनुभव एकदम अलग होता है। सभी की परेशानियां और बाधाएं अलग होती हैं, लेकिन सभी का समाधान योग दर्शन में ही निहित है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष प्रमाण से यहां मतलब है जो आपकी आंखों के सामने है। प्रत्यक्ष का बड़ा अर्थ हुआ कि जो ज्ञान पांच ज्ञानेंद्रियों का विषय रूप रस गंध स्पर्श और श्रवण से सीधा संपर्क होने पर होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यह वृत्ति भी दुख देने वाली और सुख देने वाली हो सकती है, यानी योग मार्ग में ले जाने वाली और योग मार्ग से विमुख करने वाली हो सकती है। जिस चीज वस्तु और व्यक्ति को आप अपने सामने देख सकते हैं उसको लेकर आपके मन मस्तिष्क में कोई संशय नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर समझने की कोशिश करें, आप किसी शोरूम के सामने खड़े और एक शीशे में टंगा शर्ट आपको पसंद आ गया है। शर्ट आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं और इसकी गुणवत्ता के बारे में भी जान सकते हैं। यह होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण से ऐसा समझ लें, आप किसी स्थिति को लेकर उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हों। जैसे अगर किसी घर से काला धुआं निकल रहा है, आप आधे किलोमीटर दूर खड़े हों, आपने उसे देखकर अपने मन में उत्तर सोचा, जरूर कहीं आग लगी है तभी यह धुआं का गुबार निकल रहा है। आग का अनुमान आपने धुएं से लगाया। इसे आप अपने जीवन में और भी उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान और आगमा वेद शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन, ये तीन होते हैं। प्रमाणानि प्रमाण वृत्तियां हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान और वेद शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन, ये तीन प्रमाण वृत्तियां हैं। योग दर्शन में प्रमाण के तीन प्रकार कहे गए हैं। आगम प्रमाण, जिस साधन या उपाय के माध्यम से किसी भी वस्तु के स्वरूप एवं स्थिति की स्पष्टता का ठीक ठीक ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने पांच वृत्तियों में सबसे पहले प्रमाण को ही वृत्ति कहा है। ये पांच वृत्तियों का एक क्रम है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति यथार्थ ज्ञान प्रमाण प्रत्यक्ष
अनुमान और आगम से प्रारंभ होकर गलत, मिथ्या या उल्टा ज्ञान विपर्यय, फिर केवल आभासी ज्ञान, बनावटी ज्ञान जो केवल शब्दों तक सीमित है, असल में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, विकल्प और सब प्रकार के ज्ञान जो जागृत एवं स्वप्न में होते हैं, उस ज्ञान का अभाव होने पर भी जो एक नई अनुभूति होती है, निद्रा और अंत में पूर्व में अनुभव किए गए विषयों, देखे गए, सुने गए, समझे गए, स्वाद लिए गए, बोले गए, किए गए, स्पर्श किए गए एवं गंध महसूस किए गए का फिर से स्मरण, स्मृति, यह वृत्ति का एक विशेष क्रम है जिसमें से योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को दुख देने वाली क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने का निरंतर अभ्यास एवं वैराग्य पूर्वक विशेष प्रयत्न करना ही होता है। सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे पता चले कि कौन सी प्रमाण अंतर्गत प्रत्यक्ष वृत्ति क्लिष्ट है और कौन अक्लिष्ट। इस जगत में शुभ भी प्रत्यक्ष पूर्वक परिदृष्ट होता है और अशुभ भी। शुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को शांत और आनंदित करता है, अर्थात एकाग्रता की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर अशुभ का प्रत्यक्ष होना चित्त को बाहर और भीतर से अशांत और क्षोभित करता है, अर्थात चित्त को चंचलता की ओर ले जाता है। ये एक ही प्रत्यक्ष अक्लिष्ट और क्लिष्ट भेद से सुख और दुख देने वाले हो जाते हैं। अक्लिष्ट प्रत्यक्ष, किसी को सेवा करते देखना, भगवत नाम का संगीत सुनना जिससे तन मन प्रफुल्लित हो, ऐसी सुगंध सूंघना तन और मन दोनों हृष्ट पुष्ट हो, ऐसा भोजन का स्वाद लेना आदि। क्लिष्ट प्रत्यक्ष, किसी होती हुई हिंसा को देखना, अश्लील दृश्य देखना, अश्लील और भड़काऊ संगीत सुनना, तामसिक गंध सूंघना, अभक्ष्य भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि खाने का स्वाद लेना, यह सब क्लिष्ट प्रत्यक्ष वृत्ति है और दुख देने वाली है। इस प्रकार योग आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन सी चीज आपको सुख देती है और कौन से दुख। यही अंतर आपको सन्मार्ग के रास्ते पर ले जाता है और एक बेहतर मनुष्य बनाने में सहायता करता है।